नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही सरकार ने प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका दिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश में बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ोतरी की गई है। वहीं इस वृद्धि पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत विभाग के रेगुलेटरी कमीशन की बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के इस जनविरोधी निर्णय का विरोध करती है। हमारा मानना है कि कांग्रेस सरकार ने पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वायदा किया था। अभी वो वायदा तो पूरा किया नहीं, उल्टा बिजली की दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है, जो कांग्रेस सरकार के जनविरोधी चेहरे को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस तरह के निर्णय लेकर कांग्रेस सरकार लगातार जनता पर बोझ डाल रही है। पहले 3 रुपये लीटर डीजल महंगा किया, अब ये बिजली की दरें महंगी कर दी। अभी पता लगा कि उनके एक मंत्री आदरणीय जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि सरकार ने नहीं, रेगुलेटरी कमीशन ने ये दरें बढ़ाई है। मैं उन्हें कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरों को तय करने का काम रेगुलेटरी कमीशन ही करता है, और रेगुलेटरी कमीशन के तय करने के बाद भी सरकार जो है ग्रांट देकर बिजली बोर्ड को जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय भी रेगुलेटरी कमीशन ने इस तरह कई बार दरें बढ़ाई। हमारी सरकारों ने बिजली बोर्ड को ग्रांट देकर जनता पर बोझ नहीं डाला, परंतु कांग्रेस की सरकार ने ऐसा ना करके जनता पर बोझ डाला है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सोमवार को 2 बजे सत्र है, 1 बजे हमारी विधायक दल की मीटिंग है। विधानसभा में किस तरह से इस मुद्दे को उठाना है, किन नियमों के तहत उठाना है, हम उस विधायक दल की बैठक में तय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जो है आगे रणनीति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।